पाकिस्तान में सरकार भले ही बदल गई हो लेकिन उसकी नीतियां नहीं बदली हैं। वो आज भी जिस तरह से कश्मीर पर कब्जा कर वहां के लोगों के अधिकारों को कुचलता है, उसी तरह बलूचिस्तान के लोगों के साथ भी वर्षों से जानवरों जैसा सलूक करता रहा है, जो आज भी जारी है, जिसमें उसका साथ देता है चीन, जिसके कर्ज के बोझ से दबा पाकिस्तान कराह रहा है। पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके में स्थित खूबसूरत बलूचिस्तान के लोगों की जिंदगी को वहां की सरकार ने नरक बना दिया है। पाकिस्तानी सेना चीन की सेना के साथ मिलकर बलूचिस्तान के लोगों को अगवा कर उनकी जान तक ले लेता है और फिर उनके अंगों की तस्करी की जाती है। पाकिस्तान और चीन पर ये सनसनीखेज आरोप बलूचिस्तान की ही रहने वाली बलूच कार्यकर्ता नायला कादरी बलूच ने लगाया है। और बलूच का सिर्फ मट्टी इनको चाहिए, पोर्ट्स इनको चाहिए, गोल्ड इनको चाहिए, हमारा ऑयल एंड गैस इनको चाहिए, इनको हमारे दिल, जिगर, हमारी आंखें, हमारे किडनीज, हमारे फेफड़े, वो सब भी चाहिए। तो वो हमारे बच्चों को, हमारी औरतों को, हमारे जवानों को उठा के ले जा रहे हैं ताकि उनके ऑर्गन्स निकाल के, उनका ब्लड निकाल के बेचें। और ये पाकिस्तान की आर्मी और चाइना की आर्मी मिलके कर रहे हैं। आपको दुनिया में सबसे सस्ती ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो चाइना में मिलती है। कहाँ से लाते हैं वो इतने ऑर्गन्स? उन्होंने अपने मुल्क के लोगों का हशर किया हुआ है। उनके अपने मुल्क में जिंदा ब्लड बैंक्स हैं, जिंदा डोनर बैंक्स हैं, जेलें हैं उनकी जो डोनर बैंक्स का काम कर रही हैं। और वही सारा कुछ ये जो है बलूचिस्तान में कर रहे हैं, सिंधियों के साथ कर रहे हैं, कराची के महाजरों के साथ कर रहे हैं, ये जो हिंदुस्तान से महाजर आए थे 70 साल पहले, और जो पश्तूनों के साथ कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो कर रहे हैं, इसका सुनने वाला, इसका देखने वाला कोई है या नहीं? पाकिस्तान और चाइना आर्मी की इस रोंगटे खड़ी कर देने वाली सच्चाई को बयां करने वाली बलूच कार्यकर्ता नायला कादरी ने यूनाइटेड नेशन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्हें डर है कि पाकिस्तान ने जिस तेजी से बंगालियों को खत्म करने का काम किया है, उसी तरह बलूचियों को भी खत्म कर देंगे। हमारी जो आबादी है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसके मुताबिक ये जितने लोग डेली उठा रहे हैं 10 से 50, तो कुछ अरसे में तो बलूच खत्म कर देंगे ये। हमारे इन्होंने जिस तेजी से बंगालियों के साथ किया, तो फॉर्चुनेटली बंगालियों की पॉपुलेशन बहुत थी, हमारी इतनी पॉपुलेशन नहीं है जिस तेजी से ये हमें उठा। ये आवाज दुनिया की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, आज एक किसी ने ये बात की थी, क्रिस्टोफर ने ये बात की बड़ी अच्छी, कि गवर्नमेंट से मत जुड़ो, क्योंकि गवर्नमेंट्स तो इतनी बेईमान होती हैं कि वो अपने छोटे से इंटरेस्ट के लिए किसी भी इंसानी वैल्यू की कुर्बानी दे सकती हैं, लेकिन लोगों को लोगों से जुड़ना चाहिए। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन में ये बात उठाई है कि बलोचों पाकिस्तान की बर्बरता का बलूचिस्तानी लंबे समय से सामना कर रहे हैं। कश्मीर पर कब्जा जमा कर जिस तरह से पाकिस्तान वहां के लोगों को प्रताड़ित करता है, उसी तरह बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान आए दिन प्रताड़ित करता रहा है, जिसके खिलाफ बलूचिस्तानी आजादी के समय से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से सटे बलूचिस्तान की आजादी को लेकर 1944 में जनरल मनी ने आवाज उठाई थी, लेकिन 1947 में अंग्रेजों के इशारे पर इसे पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। 1970 के बाद फिर बलूचिस्तान की आजादी को लेकर आवाज उठी, जो आज भी जारी है।